खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वार्ड के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल गहरी खुदाई होने के चलते कई घरों की पाइपलाइनें टूट गई हैं, जिससे कि पानी सप्लाई बंद हो गई है। वहीं दुकानदारों के सामने गहरे और चौड़े नाले की खुदाई से कारोबार चौपट है। वार्ड के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगा दिया, तो मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने शीघ्र कार्य पूर्ण कर समस्या दूर करने की बात कही। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते शीघ्र ही नाला भी ध्वस्त हो जाएगा। जबकि नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जा रहा है और शीघ्र ही वार्ड के लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या आरोप लगाया है, वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है। शाम तक पूरे धूल धूल उड़ती है, हम लोगों को पता चलेगा कुछ दिन बाद दमा हो जाएगा। ना तो ये धूल हटाते हैं ना तो कुछ करते हैं। इसकी शिकायत भी मैंने 181 में की है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना तो कोई झाड़ू लगाने आया है। 8 फीट में घर नाला खुद गया, पानी भरा है 8 फीट तक। ये जब से खोदे हैं तब से ये धूल उड़ना शुरू हो गई है। ये लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है धूल उड़ती। उसी के पहले पहले सूचना दी थी, इसके बाद ये जाम करवाया था रोड। आश्वासन ये मिला कि टैंकर आएगा, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं आया है। यहाँ मोहल्ला वालों ने जो निर्माणाधीन नाला है, स्टाम्प बॉर्डर से बन रहा है, उसके खुदाई को लेकर के था। क्योंकि नाला लंबा था और लेबल मिलाने के लिए इनने खुदाई रात में की अचानक, और कुछ पाइपलाइन डैमेज हुआ जिसको पानी भरा, उस वजह से इनको दिक्कत थी। हम लोगों ने बुला करके उनके समाधान किया है और गति को तेज बढ़ाने के लिए संविदाकार को भी निर्देश दिया है। हमारा PDMC सुपरवाइजर एजेंसी है, नगर निगम का स्टाफ है, सबके साथ हम लोग इसको तेज गति में अच्छे मानक और गुणवत्ता का बनाएंगे। इस बात का आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। लगातार लोगों को परेशानी हो रही है? नहीं, अब निर्माण कार्य में थोड़ा परेशानी होती है, चूँकि वर्क है, इसको काम करने में क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ता। खोदा, फिर बेस डाला, फिर दीवार डाला, लोहा भी बांधा, तो गति को तेज करना था कि लोग ज़्यादा परेशान ना हो। इस वजह से लोगों को थोड़ा लग रहा था कि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी के साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, विकल्प भी व्यवस्था इनको जो प्रकाशंस के लिए हमने गार्ड स्टोन वगैरह लगाने के लिए बोला है, बल्ली गाड़े, पट्टे बांधे, प्रकाशंस बनाएं और लोग प्रॉपरली पानी का छिड़काव करें ताकि धूल न उड़े। नहीं नहीं, हम लोग हरदम इनकी शिकायतों का संज्ञान लेते रहे और समाधान करते रहे। आज भी उनसे हम समाधान ही कर रहे हैं। नाला बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जो है पूरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाजन टोला का पानी लेकर के सावा नाला में जाएगा। चूँकि गहरा नाला है, बड़ा नाला है, इसकी साइज जो है 1.5 मीटर बाई 2 मीटर की है, कवर्ड रहेगा पार्शली, तो थोड़ा जनता के लिए तकलीफ तो है थोड़ा सा। जहाँ खुदा है उनको निकलने के लिए कुछ साधन सुविधा दिया गया है और मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और जल्द ये अमृत योजना के अंतर्गत महाजन टोला गड्डी मुख्य मार्ग पर जन उपयोगी नाले का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैं नगर पालिक निगम को इस बात के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं कि यहां जो विगत कई वर्षों से जल भराव की स्थिति होती थी वार्ड के अंदर, इस नाले के निर्माण से निश्चित रूप से आम जनता को इससे निजात मिलेगा। गलती ये हुई कि ये नाला का निर्माण लगभग 1 किलोमीटर की खुदाई एक साथ कर दी गई। उस खुदाई के वजह से यहाँ लोगों के पेयजल का संकट आ गया, क्योंकि पानी की पाइपलाइनें टूट गईं। मुख्य लाइन के टूटने की वजह से वो नाला नदी का रूप ले लिया। जो लोगों के घर के अंदर के ड्रेनेज का पानी बाहर नाली में आना चाहिए था, ओवरफ्लो होने की वजह से उस नाले का पानी लोगों के घरों के अंदर जाना शुरू हो गया। व्यथा इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के आंगन में, लोगों के बाथरूम में पानी भरना शुरू हो गया और पेयजल का संकट आ गया। यहाँ पूरे रोड में धूल का इतना अंबार लगा रहता था सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन, कि जो यहाँ के दुकानदार थे उनको लग रहा था दमा हो जाएगा। जो नाला खोद दिया गया था 7 फुट चौड़ा जो नाला खोद दिया गया था, उस नाले की वजह से लोगों के दुकानों में और घरों में आवागमन अवरुद्ध हो गया था। लोग पटरा लगा के चलते थे, हो सकता है किसी दिन किसी न किसी घटना दुर्घटना का शिकार हो जाते। एक गाय अभी आपके सामने
आपके सामने गाय मरी पड़ी हुई है, वो गाय इसी नाले में गिर गई, रात को ठंड की वजह से वो मर गई, जब सुबह लोगों ने देखा तब उस गाय को निकाला गया। तो इस तरह की समस्याओं से व्यथित होकर यहाँ के लोगों ने लगातार प्रशासन को अवगत कराया, मैंने भी बताया, जब कहीं ना कहीं ये लगा कि इन समस्याओं का निदान इस तरह से संभव नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लोगों की मांग पर हम लोगों ने धरना देने की योजना बनाई और आज हम लोग धरने पे बैठ गए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि ये जनता है तभी हम हैं, जब इन लोगों ने हमें वोट दिया तब हम चुनाव जीते और आज हम कहीं ना कहीं नाला खुदाई हुए करीबन 25 दिन हो गए, 25 दिन से इसका काम चालू है, वो वाली रोड भी रोड नहीं बन पाई, वो वाली रोड 25 दिन से काम चालू है इसका। क्या लापरवाही, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है, क्यों नहीं किया? लापरवाही हमारी मांग ये थी कि अपन नाला उतना खोदें जितने की 2 दिन 4 दिन 6 दिन में ढलाई करवा सकें, दुकानें हैं सब नुकसान हो रहा है, यहाँ नाला खोदने के बाद 1 किलोमीटर का नाला है, निश्चित रूप से ढलाई में टाइम लगेगा, क्यूरिंग में टाइम लगेगा, सबको मालूम है इस बात को, लेकिन वो नाला अगर स्टेप बाय स्टेप खोदा गया होता, पहले 200 मीटर खोदा जाता फिर बनाया जाता फिर खोदा जाता फिर बनाया जाता, तो शायद है कि यहाँ के लोगों को उम्मीद रहती कि चलो 2 दिन में 3 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में बन जाएगा। अब तो ये है कि ये पूरा छोर एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, कब बनेगा इसका ही कोई क्लियरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आज ये स्टेप उठाना पड़ा। अब ये स्पीड नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, फिर आंदोलन करेंगे। अभी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसमें बेस डाल के और टीम बढ़ा के इसको निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा, ये जो धूल का अंबार उड़ता है डिवाइडरिंग करवाई जाएगी, टैंकर के माध्यम से यहाँ पानी डलवाया जाएगा। पेवर ब्लॉक लगा तो ऐसे लगा, पेवर ब्लॉक, हाँ, PWD के माध्यम से इसमें पेवर ब्लॉक लगाया गया है, ये गुणवत्ता विहीन है पूरी तरह से, बरसात आएगी ये 1 फुट नीचे घुस जाएगा, अभी टूट गया है, 1 फुट नीचे घुस जाएगा और दुर्घटनाएं होंगी, इसकी भी शिकायत मेरे द्वारा PWD कार्यपालन एमपी को की गई है, कोई दिखने नहीं आता, ना कोई सुनने आता, कोई आज तक PWD का संबंधित अधिकारी यहाँ देखने नहीं आया कि इस पेवर ब्लॉक को कैसे लगाया जा रहा है।